से होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैडल बनाने के बारे में। सैडल कौन बनाता है, एक अच्छा फिटिंग को भी आनी चाहिए, फैब्रिकेटर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हमने एक पाइप लिया है, उसकी मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने का मकसद ये है कि टाइम क्या बचत हो सके, वीडियो लंबी ना हो, अगर वीडियो लेंथी होगी तो आपको देखने में भी दुश्वारी हो सकती है। आप लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा सी एफ क्या है, तो आपने बताना है सरकमफेरेंस। तो एक फ्रांस मुल्क है, तो आपने फ्रांस नहीं बोलना, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको। उसके बाद है मल्टीप्लाई डाया, तो डाया किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट है हम उसको डाया बोलते हैं, इतने हिस्से को। अब आप सी एफ सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, इस मुकम्मल सर्कल को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब हमारे पास 3, 6, 14, 16 ये कहाँ से आया, ये फार्मूला है। तो अब इसका फार्मूला है ये वाला सर्कुलर का है, आपसे पूछेगा 3, 6, 14, 16 कहाँ से आया, तो आपने बताना है ये पाई की कीमत है, इसको पाई बोलते हैं 2/7। जब आप इसको डिवाइडिंग करेंगे ये कीमत आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, ये 3, 6, 14, 16 वैसे आ गया, डाया हमने भी, अब ये हमारे पास पाई का है, हमने इसका डाया लिया, तो ये देखें इसका 60 mm इसका डाया है। तो अब हमने इसका डाया जो है वो मेंशन कर लिया, ये 2 inch का हमारे पास पाइप है, तो 2 inch के पाइप का जो डाया होता है वो 60 mm होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया 188। अब हमने 188 किया, उसके बाद जो है 188 को 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड हमारे करने का मकसद क्या है, वो कितने शीट इसका जो सर्कमफेरेंस है वो 188 आ गया, 188 ये मुकम्मल जो है 188 हमने एक मार्किंग की है, 0 लाइन लगाई है। अब 188 को हमने तकसीम किया तो 2 पे हम डिवाइडिंग करेंगे, वो 94 आ गया। अब 94 की हमने मार्किंग करी है। अब ये हमारे पास एक फेस है, अब हमने फेस के ऊपर एक लाइन लगाई है, ये एक हमने एक लाइन लगाई है। लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मीटर टेप खोलेंगे, मीटर टेप खोल के यहाँ से लेकर यहाँ तक 94 की मेजरमेंट करेंगे, 94 फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 94 करने के बाद हम इसको ऐसे मार्किंग कर देंगे। अब ये हमारे पास ऐसी मार्किंग आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे 94 को दोबारा हम तकसीम करेंगे। आप कहेंगे कि 94 को हमने क्यों डिवाइडिंग किया, वो इसलिए हमने डिवाइडिंग किया, ये इधर देखिए वो हमने इसको हाफ करने के लिए इसको 2 पे तकसीम किया। अब हमने इसको तकसीम करने के बाद हाफ करके इसको मार्किंग कर दी, मार्किंग करने के बाद ये हमारे पास जवाब आया था 47। अब 47 को दोबारा 2 पे डिवाइडिंग किया, आप कहेंगे जी दोबारा 2 पे डिवाइडिंग क्यों किया, वो हमने इसकी डेप्थ लेने के लिए, जो इसकी डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ थी वो हमने इसकी मार्किंग की, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्थ लेने के बाद फिर हमने इसको मार्किंग किया। अब आप कहेंगे इसकी मार्किंग कैसे की है, हम कोई भी गोल चीज़ रखेंगे, रखने के बाद हम इसकी ऐसे मार्किंग करेंगे, ऐसे किनारे लगाएंगे, किनारे लगाने के बाद फिर जो है वो हम ऐसे रख के इसको मार्किंग करेंगे, बिल्कुल गलाई में आ जाएगी। अब हम इसकी मार्किंग आ गई है, तो अब हमने ये वाला जो पेज है, पेज को हम इस तरह रखेंगे, रखने के बाद ये देखिए ये हमने मार्किंग की हुई है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम की बचत हो सके, तो इस तरह हमने मार्किंग की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे समझ आ जाएगी। अब हमने इसकी ऐसे मार्किंग करनी है दोनों साइडों पे, जब हमारे ये जो पेज ऐसे बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा, जब हमने मार्किंग करनी है, जो इसमें हमसे गलतियाँ होती हैं वो हमने इस पेज को या तो सही नहीं रखा होगा, या फिर ये वाले जो इसके किनारे होते हैं ज़्यादा अप कर देते हैं, ज़्यादा डाउन कर देते हैं। सबसे पहले जब हम इसको डिवाइडिंग करके 47 पे, जब हमने इसको हाफ किया था 47 आया था, जब हमने उसके बाद इसको डिवाइडिंग किया था तो हमारे पास 23.5 आया था, यहाँ से लेकर 23 था, तो अब हमने इसको 23 तक ऐसे करके ऐसे मार्किंग कर दिया जी। यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है, मार्किंग फाइनल हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं वर्कशॉप में जाके, तो इस तरह जो है कटिंग करेंगे, फिर आपको बता देंगे कि हमने सैडल बना ली। जब हमने कटिंग करनी है तो ये निशान खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि 3 mm जो है वो कटिंग डिस्क की थिकनेस होती है, तो हम इस साइड पे इसको रख के मार्किंग करेंगे ग्राइंडर से, वन टाइम ऐसे बुला देंगे ताकि ये निशान रेज ना हो। अब हम एक फार्मूला में वो बताया आप लोगों को, अभी हम जो सेटल है वो फाइनल हो गई है, फार्मूले के मुताबिक हमने मार्किंग की है, वो भी आपको तरीका कार समझा दिया। अब हम इसकी कटिंग करने लगे,
वो हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग का तरीकाकार बताएंगे कि कैसे कटिंग करनी है। ये हमारे पास निशान है, तो हम सबसे पहले हमने ग्राइंडर चला के ये निशान के ऊपर जो है वो मार्किंग करनी है। निशान के इस साइड पे नहीं करेंगे, निशान के इस साइड पे करेंगे, इस साइड पे। अब हम सबसे पहले ग्राइंडर चला के ऐसे मार्किंग करेंगे ग्राइंडर कटिंग डिस्क से, तो कटिंग डिस्क से हमें इसके निशान करेंगे, मार्किंग हो जाएगी। उससे वन टाइम ऐसे या टू टाइम चलाएंगे, उसका मकसद क्या है, ये निशान रेज हो जाता है। जब हम कटिंग डिस्क से ऐसे रोटेट करेंगे, निशान लगाएंगे, वो रेज नहीं होगा। फिर हम इसकी ऐसे ऐसा कटाई करके सैडल बनाएंगे। तो अभी हम वीडियो में ये आपको सारी चीज़ें बताते हैं, करें स्टार्ट। जो हमने पहले निशान लगाया था, उस निशान के मुताबिक हमने कटिंग डिस्क के साथ ऐसे एक मार्किंग कर लिया। इस मार्किंग का मैंने पहले भी बताया है कि मार्किंग का फंक्शन ये है कि जो है ना, हमारा जो निशान होगा वो रेज नहीं होगा। इस तरह हम अब आपको ये मार्किंग कर ली है, कटिंग करेंगे, इसी तरह ये सारा पीस निकाल देंगे, इसी तरह दूसरा पीस निकाल देंगे। इस तरह जो है ये जो है वो हम अपनी शेड्यूल को फाइनल करते हैं। तो अब आप वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। ये ग्राइंडर है ना जी, ये चल रहा है हमारे पास। तो अब इसको रोकना कैसे, जब आपको कोई बंदा कहता है ऐसे रोकें, तो आपने इसको ऐसे रोकना है, ज़्यादा वजन नहीं देना, ये कटिंग डिस्क है, अदरवाइज ये टूट जाएगी। ग्राइंडिंग डिस्क भी है तो भी मुनासिब जोर डालना चाहिए। अब कोई बड़े पाइप होते हैं, उनकी हम सैडल बना रहे हैं, तो ये वाली चीज़ जो है फिर हमारी जो डिस्क है इसके अंदर फंसेगी, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से इसके अंदर रोटेट करेगी। हम इसके छोटे छोटे पीस करके इसको काट देंगे। ये देखें, हम ये निशान है, ये हमने कट लगाया है, ये पीस अलहदा उतार देंगे, फिर ये वाला अलहदा उतार देंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप एक पीस और उतार दें। उसके उतारने की वजह यह है कि हमारी डिस्क जो है इसके अंदर ईजीली जो है वो रोटेट कर सके। तो इसी तरह हम इसको अभी फाइनल कर रहे हैं। वन साइड इस हमारी कम्प्लीट हो गई है, अभी दूसरी हमने स्टार्ट की है। इसी तरह हम इसको इंशाल्लाह फाइनल करते हैं।
अब ये हमने सैडल बनाई है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ग्राइंडर से दोबारा ये वाले जो इसके कार्नर हैं वो ठीक करेंगे, इस तरह फिर ये वाला ठीक करेंगे, उसके बाद ये अंदर इसके पपड़ी है इसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये हम एक पेंसिल ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल ग्राइंडर से इसको अंदर से रिमूव करेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जो है ना ये ऐसे फाइनल करेंगे, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे, फिर पेंसिल ग्राइंडर से सेटिंग करेंगे। अब जैसे ही हमने मार्किंग फाइनल, ये हमारी फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हम इसको एक पाइप के ऊपर रखेंगे, ऐसे ऊपर रखने के बाद हम इसकी बाइट से मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद इसकी थिकनेस का हिसाब लगा के फिर अंदर से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने इसके निशान के अंदर की साइड पर कटिंग किया था, इसके भी निशान के अंदर की साइड पर कटिंग करेंगे, इस तरह जो है वो हमारी बेवल सैडल बन जाएगी। सैडल बनने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, एक राइट एंगल रखेंगे, राइट एंगल के साथ एक सेपरेट लेवल रखेंगे, रखने के बाद सेपरेट लेवल इसलिए रखेंगे ताकि ये 90 पे अवेलेबल हो, ये ना हो कि ये 90 पे सीधा नहीं हो। फिर हम इसको वायर से जो है इसकी वेल्डिंग करवाएंगे, अब टैकिंग करवाएंगे, टैकिंग करवाने के बाद फिर इसकी वेल्डिंग होगी, वो बाद में सिचुएशन देखी जाएगी कि वो आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवानी है, आर्गन वेल्डिंग करवानी है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।